अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आमिना शेख और उन्नैना क्या बोलने वाली है? अब्बा ने नहीं, पहले सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो क्या करे अब्बा ने, भी क्या करे? बाय बाय। ये उसके अब्बा ने है बनाए चोटी और मस्त बनाए एकदम। इधर आओ, मांग तो बता। इधर आओ उन्नैना, इधर आओ, मांग बताओ। मांग भी देखो बराबर, यहाँ से तो बराबर लिए, पीछे बताओ। हाँ अच्छा, अभी मैं नहीं रहूंगी तो स्कूल छोड़ सकते अब्बा बाल बना के, है ना? हाँ वेरी गुड। और चश्मा पहन के कहाँ गए, कहाँ जा रही है? और ये भाई साहब खेलते हैं, क्या खेल रहे? बीजेएमआई। पहले क्या करने का? अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये सब खेलना इसका चालू रहेगा, ट्यूशन से आ गया तो एक घंटा तो इसमें बिजी रहेगा अभी। ये शाहजेब, और ये है हमारा चाय टाइम। बताती हूँ कितने वाले, कितना बज रहा है ये टाइम, 2:20 को हम लोग चाय पी रहे हैं। खाना भी बन रहा है, खाना बनाने रख दी हूँ मैंने। संडे ना, आज बहुत लेट हो गया। शाहजेब शाहजेब, हाँ बोलो। पहले क्या करने का? इधर देखो, फिर जरा चालू हो गया बनाना। इसमें सब टेप पे बुलाया, पर क्यों बनाता है बेटा? यूं खराब हो जाती है पतंग, इतनी मेहनत करता है। चाय और बिस्किट हाथ में आई समझ जाने का, घर में खाना नहीं बना। तो संडे है आज। हाँ नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे सब एक जैसे ही है। जिस बार भी तूने मेरे को चाय और बिस्किट ऑफर करी तो समझ जाने का, खाना नहीं बनाया बेटा। तो मैं कुछ ना कुछ तो खिला देती हूं, मैं समझ जाता हूँ ना। वेरी गुड, अच्छा करते पेंसिल। तो मैंने यहाँ पर शुरू कर दी हूँ पकाना, आधा हो चुका है मेरा। जैसे चिकन वगैरह साफ करके रख चुकी हूँ धोके, यहाँ पर मेरा कांदा भी कट चुका है। और मैं क्या बना रही हूँ पता है? हाँ तो किचन टेबल है बेटा, अब इसको धोके ही लेना है अपने को। तो मैं आज क्या बना रही हूँ पता है? आज मैं बना रही हूँ चिकन तहारी। तो अभी फिलहाल तो मैं उसकी रेसिपी आपको डालूंगी नहीं, सिर्फ बनाकर फौरन जब बन जाएगा तभी बताऊंगी आपको। मैं उसकी रेसिपी नहीं डालूंगी अभी, क्योंकि संडे का टाइम है और बच्चे लोग सब घर में ना, तो शूटिंग नहीं कर पाऊंगी मैं इसकी। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं चिकन तहारी बनाई हूँ, ये हम लोगों की फेवरेट है। मैं अम्मी के हाथ की खाती थी अक्सर, मेरी अम्मी है ना चिकन तहारी बनाते थे। और हम लोगों को ना पहले तो मटन तहारी बनाते थे, ज़्यादा चिकन नहीं बनाते थे। अब तो सब घरों घर चिकन ही बनता रहता है बार बार, तो मैं चिकन तहारी बना रही हूँ। कैसी बनेगी ना वो आपको बनाने के बाद इंशाल्लाह मैं बताती हूँ। तो देखिए ये ना मसाला हो गया, भून रहा है इसका तहारी का। तो ये ना वाइट नहीं बनता है, इसको लाल मसाले में बनाया जाता है ये तहारी को। तो उसका मैंने पूरा लाल मसाला, गरम मसाला, चिकन, आलू, कोथमीर, दही, टमाटर, जो इसमें उनको डालना था ना, मैंने सब डाल दी उगाई। अगर आप लोगों को इस चीज़ की रेसिपी देखनी है ना, इस डिश की, तो मुझे आप कमेंट में करना कि तहारी कैसा बनाते हैं। आज मैं सिर्फ आपको पूरा पका के ही बताऊँगी कि ये तहारी कैसी लगती है। अगर आपको देख के अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। तो देखिए ये अच्छे से मसाला भुन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरी वगैरह ऊपर आ गई है। मैंने इसको 2-3 बार हिला भी चुकी हूँ। इसमें चावल डालने का टाइम आ गया है। चावल यहाँ मैंने कम से कम 10 मिनट पहले धो के उसको भिगा के रखी थी। नॉर्मल चावल है, कोई ऐसे पुलाव या बिरयानी वाला नहीं है जो हम लोग खाते हैं ना घर में, उसी में मैं बना रही हूँ वो है। और ये देखिए गाइस, आज मेरे को ये 3 से 4 दिन हो गया है कोथमीर ला के, पर इसमें एक भी पत्ता जो ना पीला हुआ है ना ख़राब हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। वैसे मैं नॉर्मल ला के थैली में रखती हूँ ना साफ सुफ करके, और दूसरे तीसरे दिन है ना पूरा पीला होने लग जाता है, और उसका जो वो रहता है ना पत्ता, वो पूरा पीला होकर ख़राब होने लगता है। इसका यही फ़ायदा है कि इसके अंदर से जो एयर पास होती है ना, और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। तो अभी मैंने जितनी बार भी इसमें कोथमीर निकाली हूँ तो सब फ्रेश ही निकली है। तो अभी ये तो मुझे और चलेगा, मतलब मेरे पास मेरे लिए ये 30 रुपये पूरा वसूल है, नहीं तो अभी तक तो मेरे को 10-10 रुपये करके कितनी सारी कोथमीर लानी पड़ती है। और मेरा फेवरेट कचुंबर भी मैं बना के रेडी रखी हूँ। मुझे तो ना जितना ये खाना देख के मुँह में पानी नहीं आता ना, उतना मुझे कचुंबर देख के पानी आता है। तो कचुंबर बन चुका है, अभी मैं फटाफट इसमें पानी डालती हूँ और इसमें चावल डालती हूँ। देखिए मैंने इसमें चावल डाल चुकी हूँ और पानी इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि मैंने चावल को 10-15 मिनट से भिगा के रखी थी ना, तो इतना जो पानी है वो काफ़ी है। और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरी आई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको बनने का बस वेट कर रहे हैं सब लोग, कब बन जाए। तब इसको हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस इसका पानी सूखेगा, वैसे ही मैं इसको दम पे रखूंगी। तो देखिए गाइस ये ना बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह तहारी मेरी। देखिए ये है ना, मैंने इसके अंदर क्या करी हूँ ना, अपने अपने बच्चों के हिसाब से ना लाल मिर्ची की बुक्की डाली हूँ।
इसमें मैं इसमें ना ज्यादातर लाल मिर्ची की बुकी डालते हैं, हरी मिर्ची नहीं डालते हैं, क्योंकि ये बनता है लाल, लाल मीन्स ऐसा ये कलर का बनता है और इससे थोड़ा और डार्क लाल होता है। लाल मिर्ची डालेंगे ना वो हिसाब का, सालन का कैसे कलर रहता है हल्का वैसा रहता है, लेकिन मैंने इसके अंदर कम लाल मिर्ची डाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे लोगों के मुंह में पता है ना आप लोगों को छाला आया हुआ है, कल भी हम लोग दवा खाने गए थे तो मैंने क्या करी इसमें हल्का डाली हूँ, तो इसलिए ये कलर है, नहीं तो होता है कैसा ये ना लाल कलर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सफेद नहीं है, पुलाव के जैसा कलर नहीं है, इसका ये कलर आता है और बहुत बेहतरीन बना है। अच्छा, और दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि देखो ये बताने की बात तो है नहीं जरूरी, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि घर में क्या होता है ना, जब कभी रात का चावल बच गया या कोई चावल ऐसा बच गया जो फ्रिज में है तो अब हम उसे फ्रिज में ही रहने देते हैं, कोई नई डिश बना लिए थोड़ा बहुत चावल है फिर वो रह जाता है, लास्ट में कभी कभी क्या होता है फेंकना पड़ता है। तो मैंने क्या करी इसमें कल रात के जो चावल बचे थे ना मेरे, वो भी उसको क्या करी पानी से वॉश करी और इस खाने में उसको डाल दी जिस वक्त मैंने चावल डाली थी, तो क्या हो गया ये पूरा एक साथ पूरा फ्रेश चावल हो गया। मैंने आपको एक छोटी सी टिप्स दी हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है करना, अगर किसी को नहीं जमता है वो नहीं करे, मैंने एक छोटी सी टिप्स दी हूँ कि आप लोग हर चीज को इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं, उसी खाने को फ्रेश कर सकते हैं और कोई नए टेस्ट में लेकर आ सकते हैं। अब फ्रिज में चावल पड़ा रहता है हम कई कई दिनों तक तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, फिर उसको गर्म करेंगे फिर खाएंगे, इससे बेहतर है कि उसको इसमें डाल दो, लेकिन इतना है कि वो चावल को भी एक मर्तबा वॉश कर लेना है, उसका पूरा पानी निकालना फिर इसमें डालना। अब इसमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इसमें मिक्स करा हुआ चावल खा रहे हैं क्योंकि ये पूरा चावल हो गया है फ्रेश। तो आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी तो इसको इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और देखिए पूरा बन चुका है, आलू भी अच्छे से गल गया है, अब हम लोग जाएंगे खाना खाने क्योंकि लग गई है सबको भूख। गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मैं एक बाइट तो खिलाओ जल्दी। और मैं हुनाना को खिलाने के बाद तेरे को खिलाती हूँ। क्या क्या बना अम्मी? तहारी। वो बहुत अच्छी है, मेरे को छाला है, मेरे को तेज भी नहीं लग रहा है। मैंने कम तारी बेटा तुम रखी हो जिससे मालूम है तुम्हें। अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। चल अच्छी बात है, मैं मेरे बच्चे लोग खा गए तो मेरी मेहनत वसूल। तो अस्सलाम वालेकुम, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन, ये हमारे घर के मुंबई, हम लोग ये नजदीक के गार्डन में जा रहे हैं हीरान दानी। मुंबई जा रहे? मुंबई हाँ, दर्द तू ही बोल दे, ले क्या बोल रही है बोल बोल दे। मुंबई जा रहे? हाँ मुंबई जा रहे ना, ठीक है। तो गाइस हम लोग मुंबई जा रहे ना, हीरान दानी जा रहे, तो ये इसकी स्कूल रहती है, ट्यूशन रहती है ना, तो इसको कभी मिलता नहीं है टाइम जाने का। तो अभी आज संडे, तो हम लोग संडे बनाने जा रहे हैं हीरान दानी गार्डन, तो अभी हम लोग आपको उधर पहुँच के मिलते हैं। गर्दी तो वाकई में बहुत है इधर पे, फिर अभी उधर तो पूरी गर्दी गर्दी है। अरे बहुत गर्दी है, गार्डन भी पूरा भरा हुआ है, पूरा किचकिच में, जो बच्चों को खेलने भी नहीं मिलेगा। वो तो सही बात है, बहुत ज्यादा ही गर्दी है, बहुत ज्यादा किचकिच भी है। उन्हें ना क्या बोलती? नहीं खेलेगी इधर पे? नहीं। फिर कहाँ जाएंगे? दूसरी गार्डन में चलो। दूसरा कोई यहाँ नजदीक में गार्डन नहीं मिला? आर सिटी मॉल में भी गर्दी रहेगी बेटा आज? नहीं रहेगी, तो फिर भी अपन घूम सकते हैं, खेलने का तो भी है। घूमे घूम घूम के क्या करेंगे अपन? अच्छा ना, और हमें डोनट खाने चलो ना। तो इधर भी आए थे हम लोग, सोचे इधर आके थोड़ा बैठेंगे, ये लेक है पवई लेक, पर यहाँ पर भी ना गाड़ी खड़े करने का बड़ा मसला है, इसलिए हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू ना इसके लिए, गाड़ी नहीं खड़ा कर सकते कहीं भी, तो बच्चे लोगों को खिलाएंगे क्या खेलने के लिए? अच्छी बिल्डिंग है ना, आराम से। दिस इज सॉलिटेयर। सॉलिटेयर एक फ्लोर पे एक रूम है ना, एक घर है मतलब। अच्छा है भाई, 15 करोड़ का है। हाँ तो रहेगा ना, करोड़ों की बात रहेगी यहाँ पर तो। हाँ मेरा नाम से पास है अलहमदुल्ला। सब स्कूल की बस है रे, बापरे लाइन से। ये क्या है उधर, एग्जीबिशन है क्या? आर्ट है, हर तरीके का आर्ट रहेगा उसमें। और ये है हीरानंदानी स्कूल, छोटी है लेकिन अच्छी है, तो ज़्यादा कोई बड़ी स्कूल नहीं, महंगी तो रहेगी ना भाई हीरानंदानी में, लेकिन अच्छी है, लुक वाइज अच्छी लगती, देखकर कोई भी देखेगा तो इम्प्रेस हो जाएगा स्कूल देखकर।
पहले तो सिर्फ हीरा नंदा ने देखने के लिए लोग आते थे ना, चलो एक वो होता था पॉइंट, चलो देख कर आते। बिल्डिंग वहां पे लेकिन माशाल्लाह सब आलीशान लगती है, आलीशान नहीं आलीशान मतलब सब बिल्डिंग आलीशान लगती है, देखकर अच्छा लगता है, रुबाबदार एकदम। गाड़ी क्या मिल रही है तुम लोग को ना, तुम लोग दौड़ाते हो उधर से। तो ये चीज तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे ना पहले, कहीं जा नहीं पाते थे, बच्चे थे तीन तीन, बाइक थी तो नहीं जा पाते थे, अभी जा सकते ना अलहमदुल्ला। देखो ना कैसी बिल्डिंग, ऐसा लगता है ना, मेरे को तो लग रहा है कि किसी ने छाप दिया उसको, एक जैसी हर चीज छोटी 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 डिब्बी दिखती है वो। देखिए गाइस तुमको ना बैठे बैठे में ना हीरा नंदानी पूरा घुमा रही है। अच्छा कोलगेट पामोली, और ये कुछ है ना, यो ये भी है ना, देखो कुछ तो एयरटेल का क्या है ना इधर पे, MTNL हाँ MTNL की बिल्डिंग है, आगे ना उसका पूरा बोर्ड लगा हुआ है, और इसके आगे जाएंगे तो हीरा नंदानी हॉस्पिटल। बिल्डिंग कैसी लग रही है, क्या लाइन से बिल्डिंग बनती जा रही है बाबा, कंटिन्यू। इधर आगे जाएंगे ना तो हीरा नंदानी हॉस्पिटल है, देखो वो सामने जो है। हाँ साथ क्या बोलता है, फिर मॉल ही जाना पड़ेगा तुम लोग के लिए। ठीक है चलो मॉल जाते हैं हम लोग, देखते हैं वहाँ पर क्या गेम है कि क्या है। आ गए हम लोग, फोन आता है ना इसका, उगता नहीं है, आ गया नहीं तो नहीं आ रहा था अपने साथ में। तो मॉल में तो मैं आता हूँ, फटाफट अभी आ जाएगा भाग के, नजदीक है ना हम लोग के घर के, तो आ जाएगा वो वापिस, आया नहीं था हम लोग के साथ गार्डन के लिए, अभी आ रहा है रास्ते में ही है। हाँ ना तुमने भी ट्रैक टी शर्ट पहना, तो गार्डन के हिसाब से निकला था आज। अपने लोग को पार्किंग नीचे मिली नहीं, इस तरफ मिली, चाय पे आ गए, ऐसा लग रहा है अपन लोग को हिल स्टेशन पे आ रहे। वाओ फर्स्ट टाइम ये पार्किंग में अपन लोग आए। ओ जी पक्का इधर ही आना है ना, अब तो कहाँ जाएगी, तो दूसरी तो जगह दिख रही है क्या। ओ वाओ अरे यहाँ से तो पहली बार था बापू लोग देखे, क्या लग रहा है व्यू। अरे ये इधर से एंट्री होती नीचे की, बर्गर किंग दिख रहा है रोज, मेरे को तो देख के अलग लग रहा है एकदम। चल ये देखो यहाँ सब एग्जीबिशन लगा हुआ है, हम लोग ऊपर से जो व्यू दिखाए थे ना वही है ये वाला व्यू, ऊपर से पूरा जो दिख रहा था ना वही है नीचे का। अभी जा रहे हैं हम लोग बेटे को लेने के लिए, क्योंकि वो एंट्री पे खड़ा हुआ है, एंट्री पे खड़ा है, उसको कोई अंदर नहीं आने दे रहा, बच्चा है ना इसके लिए, तो उसके पास रहे, अब इसको जाके लेकर आते हैं हम लोग। अब समझ में आया ना बच्चे लोग आने नहीं देते, हाँ कैंडीज सारी कैंडीज है। तो अभी हम लोग आ गए हमारे, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम लोग आ गए बहुत भटक भटक के, कुछ फायदा तो हुआ नहीं बच्चे लोग का है ना, वहाँ पे अपना क्या हो गया, आज तो पोपटी हो गया, ये फायदा हुआ आज करके हो गया, क्या हो गया मेरा फर्स्ट टर्न कार में गिर गया, हाँ पोपट हो गया, समी गिर गया, हाँ गिर गया सर, तो लेके क्यों नहीं आने बोले, कार के अंदर गिर गया है पीछे साइड में, चल अब कल लेकर आ जाएंगे नीचे उतरेंगे तब। तो हम लोग है ना पहले तो हम लोग पहले गए गार्डन, आप लोगों ने देखा होगा गार्डन में वाकई में इतनी गर्दी थी ना कि हम लोग मतलब बच्चे लोग जाते थे ना तो लोग खेल खेल मतलब समझने तक का कि क्या खेले क्या नहीं करे, क्योंकि बहुत गर्दी रहती ना तो उसमें बहुत धक्का धुक्की हो जाते, बच्चे अक्सर गिर जाते, तो वो हिसाब से हम लोग वहाँ गए नहीं, तो मतलब अभी इतनी गर्दी में जाके आधे घंटे में तो फिर मगरिब भी हो जाती थी, तो हम लोग भी बोले जाने दो चलो थोड़ा आगे जाते हैं। आगे भी गए तो वहाँ पर भी रास्ता पार्किंग नहीं थी, पार्किंग का इतना मसला हो जाता ना हम लोगों को, पार्किंग की वजह से ज़्यादातर हम लोग कहीं जा नहीं पाते। फिर वहाँ गए हम लोग पवई में तो पार्किंग नहीं थी, तो वहाँ से आगे फिर हम लोग निकले और फिर हम लोग मॉल गए, मॉल में तो पार्किंग खैर मिल गई, लेकिन मॉल में कैसा है ना कि बच्चे जहाँ पर किड जोन में जाने के लिए बोल रहे थे ना, गेम जोन में ना, टाइम जोन,
टाइम जोन, गेम जोन भाई। तो वहाँ पर हम लोग ना अभी थोड़े दिन पहले इन लोगों को लेकर गए थे, तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं अभी वहाँ नहीं जाएंगे अपन लोग, वहाँ इन लोग जाते ना तो एक एक छोटी छोटी चीज़ का ना 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड का ना उन लोग 50 रुपये 100 रुपये ले लेते, तो कैसे अभी वो थोड़ा मुश्किल हो जाता इतना बच्चे लोगों, फिर बच्चे लोग एक एक चीज़ देखते और एक एक चीज़ की उन लोग फरमाइश करते, ये भी खिलाओ वो भी खिलाओ, ये भी गेम करवाओ वो भी गेम, वो थोड़ा सा इशू हो जाता हम लोगों ने, नहीं चलो वहाँ नहीं जाएंगे। तो गाइज मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ओके और आप लोगों का आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कर दिए और क्या करने करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कमेंट भी तो करिए, कमेंट करिए, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए।